बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम जो स्टडी करने लगे हैं 8623 का क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स चैप्टर और यूनिट 7। क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स क्या है, जिसमें हम वैसे इंट्रोडक्शन आपको देते हैं जिसमें हमने पूरी क्लासरूम को मैनेज करना होता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट जनरेट करना होता है और ऐसी कोशिश करनी होती है जिससे हमारी क्लास मैनेज रहे और जो उस क्लास के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम अचीव कर सकें, हम अच्छी तरह से लेक्चर डिलीवर कर सकें, कोई शोर ना करे, डिस्टर्ब ना करे, मिसबिहेव ना करे। जैसे हमने कल प्रॉब्लम्स जो डिस्कस किए थे क्लासरूम से रिलेटेड, तो हमने उन्हीं प्रॉब्लम्स को मैनेज करना बेसिकली क्लासरूम मैनेजमेंट होती है। मजीद एलेबोरेट कर लेते हैं इसको। क्लासरूम मैनेजमेंट इज अ टर्म टीचर यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट क्लासरूम लेसंस रन स्मूथली डिस्पाइट डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर बाय स्टूडेंट्स। द टर्म आल्सो इंप्लाइज प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर। वही बातें, वही चीज़ें कि जो आपके क्लास में स्टूडेंट्स की वजह से कोई भी नॉइज, कोई भी मिसबिहेव, कोई भी ऐसी हरकत जो ना बेयरेबल कर सकते हैं या दूसरों को या टीचर को डिस्टर्ब करे, उसे हमने कंट्रोल करना है स्टूडेंट के बिहेवियर को। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। ये एक इफेक्टिव टीचिंग का बहुत अहम कंपोनेंट है, इसके बगैर आपकी टीचिंग में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस नहीं आ सकती। इफ़ यू एज अ टीचर हैव योर क्लासरूम स्ट्रेटजी रिटन डाउन, शो कंसिस्टेंसी इन following them and always plan beforehand, then your students will be less likely to find time to cause disruption. जब भी हमने क्लासरूम मैनेज करना है या क्लासरूम से रिलेटेड एक्टिविटीज स्ट्रेटजीज बनानी है, लेसन प्लान बनाने है, तो उसमें हमने इस तरह की एक्टिविटीज रखनी है कि बच्चों को कम से कम टाइम मिले आपको डिस्टर्ब्ड करने का, आप उनका उनका बिहेवियर पहले ही कंट्रोल कर सकते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट एज रिलेटेड टू टीचिंग। Classroom management is the organization of the learning environment of a group of individuals within a classroom setting. In the early 1970s, classroom management was seen as separate from classroom instruction. Classroom management को 1970s में classroom instruction यानी के पढ़ाने से teaching से अलग समझा जाता था, लेकिन अब इसको क्लासरूम सेटिंग में ही समझा जाता है और ये टीचिंग का ही पार्ट होता है। The teachers management decisions were viewed as precursors to instruction and were treated in the literature as if they were content free. The image was of a teacher first attending the classroom management and then beginning instruction without further reference to management decisions. अगर इनको इजी वर्ड में गए तो जो डिसीजन मेकिंग है, पहले जो पहला इमेज आता है टीचर का, वो सबसे पहले क्लासरूम मैनेजमेंट का आता है, उसके बाद जाके क्लासरूम इंस्ट्रक्शन या टीचिंग का आता है। किसी भी जगह अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे या प्राइवेट लेवल पे जाएं तो वो टीचिंग के साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप क्लास को मैनेज किस तरह करें। अगर आप उनके बिहेवियर को, क्लास के बिहेवियर को, क्लास को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तब ही आप अपने गोल्स, अपने टीचिंग, अपने SLOs, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो आपके क्लास के थ्रू से आप फुलफिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप कर ही नहीं पाएंगे, आपकी क्लास डिसिप्लिन ही नहीं होगी। द टीचर मस्ट फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ दीज एकेडमिक एंड सोशल टास्क। टीचर ने मस्ट ही क्या करना है, फैसिलिटेट करना है कि जो आपके एकेडमिक और सोशल टास्क है उस में लर्निंग में हेल्प हो उस बच्चे को, स्टूडेंट्स को, ट्रेनिंग को। Thus, for the perspective of what student need to know in order to be successful, management and instruction cannot be separated. जब हम ये perception करते हैं कि बच्चों को सीखना है, क्योंकि 100, for example 100 हैं, तो उसमें से 5-6 बच्चे होंगे disturb करने वाले, बाकी 90-95 बच्चे होते हैं सीखने के लिए, आपने उन 5 को भी control करना है और बाकियों को भी, ताकि सबको मिला के आप क्लास को मैनेज भी कर सके, उनके बिहेवियर को भी मैनेज कर सके और उनको सिखा सके सक्सेसफुली और मैनेज भी कर सके और जो इंस्ट्रक्शन का आपका प्लान है वो दे सके, और आपकी मैनेजमेंट और इंस्ट्रक्शन जो है वो अब सेपरेट नहीं, एक ही पार्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू क्लासरूम मैनेजमेंट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्लासरूम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय व्हिच टीचर्स एंड स्कूल्स क्रिएट एंड मेंटेन एप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम सेटिंग। क्या ये प्रोसेस एक ऐसा है जहाँ पे टीचर और स्कूल्स मिल के क्रिएट करते हैं और मेंटेन करते हैं मुनासिब बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट किस सेटिंग के लिए, क्लासरूम की सेटिंग के लिए। द पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटिंग क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इज टू एनहांस प्रो सोशल बिहेवियर एंड इंक्रीज स्टूडेंट एकेडमिक एंगेजमेंट। क्या पर्पज है, ये पर्पज है क्लासरूम का कि इम्प्लीमेंट करें क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को, उससे जो स्टूडेंट का प्रो सोशल बिहेवियर है वो इनहांस हो और इंक्रीज करे उसके एकेडमिक मैनेजमेंट,
वो इंक्रीज करे अपनी डमिंग मैनेजमेंट, किस तरह से लेक्चर लेना है, किस तरह से टॉपिक कवर करना है, किस तरह से रीडिंग करनी है, किस तरह से राइटिंग करनी है, किस तरह से अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव करे। क्लासरूम मैनेजमेंट सिस्टम्स आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन दे आर एडहेयर टू थ्री बेसिक प्रिंसिपल। कब ये ज्यादा इफेक्टिव होगा? जब ये थ्री बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है। एम्फसिस इज स्टूडेंट एक्सपेक्टेशंस फॉर बिहेवियर एंड लर्निंग। कौन सा है कि एम्फसाइज करे, किसके ऊपर एम्फसाइज करे? एक्सपेक्टेशंस फॉर बिहेवियर एंड लर्निंग। जितना अच्छा बिहेवियर होगा उतनी अच्छी लर्निंग करेंगे, जितना बिहेवियर कंट्रोल करवाएंगे उतनी ज्यादा आप अच्छे तरीके से लर्निंग भी करवा सकेंगे। प्रमोट एक्टिव लर्निंग एंड स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। आपने क्या करना है? प्रमोट करना है कि एक्टिव लर्निंग हो, स्टूडेंट क्वेश्चंस करे, एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, या आप जो भी उसे टास्क दे उसको पार्टिसिपेट करे, चाहे वो रीडिंग का, चाहे होमवर्क है, चाहे असाइनमेंट है। एंड स्टूडेंट इन्वॉल्व, हर काम में लर्निंग में स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। थर्ड, आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट स्टूडेंट बिहेवियर्स फॉर सक्सेस। क्या करना है? आपने स्टूडेंट के जो इंपॉर्टेंट बिहेवियर है उसको आइडेंटिफाई करना है, किस किस बिहेवियर से स्टूडेंट सक्सेस ले सकता है। टाइमली क्लास अटेम्प्ट करता है, कंट्रोल बिहेवियर रहता है, सही तरह से अटेंटिवली एक्टिव होकर लेक्चर सुनता है, और आपके जो क्वेश्चन आप करते हैं उस पर वो पार्टिसिपेट करता है, रिस्पॉन्स करता है, तो ये उसका जो बिहेवियर है, होमवर्क जो देते हैं वो टाइमली करता है, जो प्रोजेक्ट जो असाइनमेंट देते हैं उस पर रिस्पॉन्स करता है, तो ये क्या होगा कि उसका आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि ये उसके सक्सेस के लिए बिहेवियर है। जो ये काम नहीं कर रहा होगा आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बच्चा सक्सेस की तरफ नहीं जा रहा, आपने उसको कंट्रोल करना है। नेक्स्ट, कंट्रोल व्हेन प्रैक्टिकल अलाउ ट्रेनीज टू रिपीट द प्रोसीजर इन हैंड ऑन ऑल प्रैक्टिस सेशन टू रीइंफोर्स द लर्निंग प्रोसेस। कंट्रोल के आमने जब आप अलाउ करते हो ट्रेनिंग को कि जो भी सीखा उसको हैंड ऑन एक्सरसाइज करे, तो वो एक कंट्रोल में प्रोवाइड करनी है, जैसे हम प्रैक्टिकल्स करवाते हैं। बाय इमीडिएटली करेक्टिंग द ट्रेनीज मिस्टेक्स एंड रीइंफोर्सिंग प्रॉपर प्रोसीजर यू कैन हेल्प देम लर्न द टास्क मोर क्विकली। आपने कोई भी उन्हें टास्क देनी है, चाहे वो प्रैक्टिकल टास्क है, चाहे वो कोई क्वेश्चन है, कोई मैथ का क्वेश्चन है, कुछ भी काम करने के लिए, अगर उन्हें नहीं आ रही तो उनकी प्रैक्टिस करवाए, मिस्टेक्स उनकी निकाल के उनको इम्प्रूव कराए, उन्हें एरर्स बताए और उस एरर्स को रिमूव करे। द डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच इज अ वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो डायरेक्ट आप खुद उन्हें काम करके दिखाएंगे वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड होता है इंस्ट्रक्शन का, स्पेशली व्हेन ट्रेनीज हैव द अपॉर्चुनिटी टू रिपीट द प्रोसीजर। जब ट्रेनिंग के पास ये अपॉर्चुनिटी हो के वो आपके या लर्निंग जो भी सीख रहे हैं उस प्रोसीजर को रिपीट कर सके। कंट्रोल एंड और कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द मैनेजेरियल फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। कंट्रोल और कंट्रोलिंग क्या है? ये मैनेजेरियल फंक्शन है। किस तरह? जैसे प्लानिंग भी एक मैनेजेरियल फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग भी एक मैनेजेरियल फंक्शन है, स्टाफिंग भी एक मैनेजेरियल फंक्शन है, और डायरेक्टिंग भी एक मैनेजेरियल फंक्शन है। इट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन बिकॉज इट हैज टू चेक द एरर एंड टू टेक द करेक्टिव एक्शन सो दैट डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड्स आर मिनिमाइज्ड एंड स्टेटेड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर अचीव्ड इन अ डिजायर्ड मैनर। नेक्स्ट, लाइक द ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल प्रोसेस। The control process involves carefully collecting information about a system, process, person or group of people in order to make necessary decisions about each. Control process में क्या होता है कि carefully आप collect करें information को एक system की, एक process की, एक person की, एक group of people की, ताकि इस order में कि आप कुछ सी जरूरत जो है जरूरियात के मुताबिक आप decisions ले सके हर step में। Manager set up control system that consists of four key steps. मैनेजर क्या करते हैं कंट्रोल सिस्टम में? एस्टैब्लिश करते हैं स्टैंडर्ड्स टू मेजर परफॉर्मेंस। टाइप्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब क्या है टाइप्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स? टीचर्स हु कैन ड्रा ऑन अ रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेज व्हेन डीलिंग विद कॉमन क्लासरूम बिहेवियर्स आर मोर लाइकली टू कीप दो स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम रिजल्टिंग इन फ्यूअर डिस्क्रिप्शंस to instruction, enhance teacher authority and better learning outcome for struggling student. जब आप क्लासरूम को कंट्रोल कर लेते हो उन बच्चों को भी जो मिसबिहेवियर करते हैं या डिस्टोर्शन करते हैं या आपको डिस्टर्ब करते हैं, उनकी वजह से आप भी और बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। जब आपने उनको कंट्रोल कर लिया तो आप भी अपना लेक्चर सही से डिलीवर करेंगे और जो बाकी बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं वो भी टाइमली स्टडी करेंगे और आपके क्लासरूम एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनेगा और आपके लर्निंग आउटकम्स फुलफिल होंगे। अ गुड ऑर्गेनाइजिंग टूल फॉर टीचर इज टू क्रिएट अ क्लासरूम मेन्यू दैट आउटलाइंस अ रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिव ऑप्शंस फॉर बिहेवियर मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। अच्छा, किस तरह आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? आप एक टूल बनाएं क्लासरूम से रिलेटेड जिसमें आप आउटलाइन लिख दे और रेंजेस दे दे कि आपका बिहेवियर मैनेजमेंट और डिसिप्लिन को रिस्पॉन्स कर सके बच्चे भी और आप खुद भी,
और आप इसका एक रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दे ताकि क्लास में कोई भी बच्चा आपको डिस्टर्ब ना करे। टीचर्स आर एबल टू असर्ट पॉजिटिव क्लासरूम कंट्रोल व्हेन दे अप्लाई सच अ बिहेवियर मैनेजमेंट मेन्यू कंसिस्टेंटली एंड फ्लेक्सिबल चूजिंग डिसिप्लिनरी रिस्पॉन्सेज दैट मैच ईच स्टूडेंट प्रेजेंटिंग कंसर्न्स। जब आप इस तरह का कोई टाइम टेबल या कोई मेन्यू बना देते हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करता है सबसे पूछ के और खुद भी अलाउ कर देते हैं, फिर उस रूल को सब फॉलो करते हैं और उससे आपकी लर्निंग जो है वो इनहांस होती है, आपकी भी और आपके स्टूडेंट्स की भी, और आप क्लास की जो लर्निंग आउटकम्स होती है लेक्चर्स को वो फुलफिल कर पाते हो। बिहेवियर रिमाइंडर नेक्स्ट स्लाइड। टीचर नीड टू मेक श्योर दैट व्हेन हैविंग स्टूडेंट प्रैक्टिस देयर इज अ क्लियर लिंक बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड एक्शन। जब भी आपको जरूरत है कि जब भी आपने प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट जब जो चीज आपने पढ़ाई है उसकी प्रैक्टिस करने लगा हो तो उसे पता हो, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि वो क्या करने लगा है और उसके ऊपर वो क्या एक्शन करना है, उसके कॉन्सेप्ट और एक्शन लिंक करें। ये ना उसे बिल्कुल पता नहीं बस वैसे ही करता जाए तो वो सीखेगा भी नहीं बल्कि उल्टा काम खराब होगा और टाइम भी वेस्ट होगा और नुकसान होने के भी ज्यादा चांसेस है। स्टूडेंट मस्ट बी एबल टू रिलेट व्हाट दे आर डूइंग टू व्हाट दे आर लर्निंग। वो रिलेट कर सके वो क्या कर रहा है और वो क्या सीख रहा है। सिमिलर ड्रिल्स आर नॉट इफेक्टिव व्हेन स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ दे विल नॉट बी एबल टू मेंटेन अ पेस इफ दे आर स्टिल अनक्लियर अबाउट अ कॉन्सेप्ट। अ बिहेवियर रिमाइंडर इज अ ब्रीफ न्यूट्रल प्रॉम्प्ट टू हेल्प द स्टूडेंट टू रिमेंबर एंड फॉलो लेसन क्लासरूम बिहेवियर असम्पशंस। कि जब आप रिमाइंडर देते हैं बार बार उसको तो नेचुरली उसे प्रॉम्प्ट आता है कि हमने किस तरह अपने क्लासरूम में क्लासरूम को मेंटेन रखना बिहेवियर को, कि उसे पता होगा जब आपने एक रूल्स डिसाइड कर दिया उसमें आप कुछ पनिशमेंट्स भी रख सकते हैं, कुछ स्ट्रिक्टनेस भी रख सकते हैं, कुछ सजाएं भी रख सकते हैं और वो बार बार रिकॉल करेंगे तो स्टूडेंट उसे रिमाइंड कर लेता है, उसे पता होता है कि मैंने ये काम नहीं करना इससे मुझे पनिशमेंट मिलेगी या मिसबिहेव का मुझे कोई भी सजा मिल सकती है। व्हेन टू यूज दिस स्ट्रेटजी इज used when the student appears to be distracted or otherwise require a simple reminder of expected behavior. अगर तो आपको लगता है कि आपके जो क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छी हो रही है और स्टूडेंट आपकी बात मान रहे तो एक सिंपल रिमाइंडर दे दे, सॉफ्ट रिमाइंडर, कभी भी अगर कोई तंग करे, अगर नहीं तो फिर आपने उसका स्ट्रिक्ट रूल बना के उसको अप्लाई करना है। एग्जाम्पल्स, हेयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ बिहेवियर रिमाइंडर्स। कुछ एग्जाम्पल्स हैं बिहेवियर रिमाइंडर की। The teacher makes eye contact with the student who is misbehaving and pointing to a classroom rules chart. आपने एक रूम चार्ट बना के क्लास में लगा दिया, अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो आपने अपनी आईज से ही उसको कंट्रोल करना है ताकि उससे आप पिन पॉइंट करते हो, उसे पता लग जाएगा कि टीचर की नजर मुझ पे है और मुझे देख के उन्होंने चार्ट की तरफ देखा, इसका मतलब कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मुझे कंट्रोल करना है। द टीचर अप्रोचेस द ऑफ टास्क स्टूडेंट टू remind him her of the specific academic task the student should be doing. और दूसरा ये है कि आप ऐसी चीजें देखो कि कोई बच्चा अगर आपने कोई टास्क दिया वो काम परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके अलावा मिसबिहेवियर या बच्चों को तंग कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं कोई और का, तो आप उसको उस टास्क के बारे में पूछो या उसे रिमाइंड करो कि मैंने ये टास्क दिया हुआ, ताकि वो उस टास्क को फुलफिल करे और अपना भी, आपका भी और बाकी स्टूडेंट का टाइम सेव करे और लर्निंग आउटकम्स को फुलफिल करे। एकेडमिक एडजस्टमेंट्स 3 point academic adjustment में, an academic adjustment is a change made to the student academic task to improve behavior. क्या इसमें इस तरह क्या है कि जो आपकी academic task है उससे क्या होना चाहिए, आपका behavior जो आपके students का वो improve होना चाहिए। Such changes could include the amount of work assigned, provision of support to the student during the work, giving additional time to complete the work. इसमें आपने इस तरह की उन्हें असाइन टास्क देनी है कि वो भी जो भी आपने उन्हें असाइनमेंट दिया वो उसे फुलफिल करे, अगर वो नहीं कर पाते तो आप उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दे दें, कुछ उनसे पहले कर लेते हैं कुछ टाइम के बाद करते हैं, तो आपने उनकी हैबिट डेवलप करनी है। व्हेन टू यूज एकेडमिक एडजस्टमेंट कैन बी यूजफुल व्हेन द टीचर जज दैट द स्टूडेंट प्रॉब्लम बिहेवियर्स आर ट्रिगर्ड और एग्जर्बिटेड बाय द रिक्वायर्ड एकेडमिक टास्क। ये यूज कब करनी है आपने, ये तब देखना जब आपके बच्चे को हमने जो टास्क दिया वो, फॉर एग्जाम्पल वो डस्टबिन का टास्क है और बच्चे 5 मिनट में कर सकता है और 5 मिनट में वो डिस्ट्रक्शन करेगा, तो आपने उस टास्क को क्या करना है, या टास्क को बढ़ा देना है या उस टास्क के टाइम को चेंज कर देना है ताकि बच्चे अपने काम में बिजी रहे और बाकियों को डिस्टर्ब ना करें। इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट, अब उस इन्वायरमेंट को एडजस्टमेंट किस तरह करेंगे, चैलेंज एन इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट इज अ चेंज मेड टू सम एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट एनवायरमेंट टू इम्प्रूव बिहेवियर्स। ये क्या, अपनी इन्वायरमेंट को इस तरह चेंज करना है कि उनसे स्टूडेंट का बिहेवियर जो है वो
पॉजिटिवली चेंज हो और लर्निंग की तरफ आ जाए. व्हेन टू यूज इस एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट हम कब यूज करेंगे. दिस स्ट्रेटजी इज यूज व्हेन द टीचर जस्ट दैट एन एनवायरमेंटल एलिमेंट फॉर एग्जांपल डिस्ट्रक्शन एक्टिविटी प्रॉक्सिमिटी ऑफ अनदर स्टूडेंट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टूडेंट प्रॉब्लम बिहेवियर. जब आपने देखना है कि कोई बच्चा दूसरों को तंग कर रहा है या डिस्टोर्शन कर रहा है, तंग कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, आपको भी टीचिंग नहीं करवाने दे रहा और बच्चों को भी पढ़ने नहीं दे रहा, तो आपने उसका एनवायरनमेंट चेंज करना, उसकी जगह चेंज करवा लेनी है या किसी भी तरह इस तरह से एनवायरनमेंट जनरेट कर देना, उसको किसी दूसरे बच्चों में बिठा देना या अलहदा कर देना, ताकि और बाकी चीजें इस तरह की ऐड करनी है कि उसका फोकस दूसरी चीजों की बजाय आपके लर्निंग आउटकम्स की तरफ जाए. एग्जांपल हियर आर एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट द टीचर मूव द स्टूडेंट सीट अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्टिंग पीयर्स. वो जिनको तंग कर रहा है उससे उसकी सीट दूर कर दें. वार्निंग. अ वार्निंग इज अ टीचर स्टेटमेंट इनफॉर्मिंग द स्टूडेंट दैट कंटिन्यूड मिसबिहेवियर विल बी फॉलोड बाय अ स्पेसिफिक डिसिप्लिनरी कॉन्सिक्वेंसेस. यानी कि आपने बच्चों को किसी भी मिसबिहेव की वजह से वार्निंग दे दी. व्हेन टू कब यूज अ वार्निंग इज एप्रोप्रिएट व्हेन द टीचर जज. जब आप जज कर लेते हो तब आप वार्निंग देते हो. क्या जज करते हो? दैट द स्टूडेंट हैज कंट्रोल ओवर हिज आर बिहेवियर. जब आप देख लेते हो कि वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा, तो वार्निंग दे दो. दैट अ पॉइंटेड रिमाइंडर ऑफ इंपेंडिंग बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस मे इंप्रूव द स्टूडेंट बिहेवियर. आपने पॉइंट करना है कि बार बार आप रिमाइंडर दे रहे हैं और स्टूडेंट को नहीं कर पा रहे, तो बेहतर यही है कि आप उन चीजों को क्या करें, कंट्रोल कर लें. Time out from reinforcement is the brief removal of the student from the setting due to problematic behaviors. आपने देखना कि time out, जब भी आपने कोई चीज करना है और आपने behavior देखना कि इस behavior को किस तरह से हम control करें, तो आपने जहां पे कोई बंदा बदतमीजी कर रहा है उसको class से भी आप निकाल सकते हैं या class में रहते हुए आपने उसको टास्क देना और गिवन लिमिटेड टाइम कर देना, ताकि वो विद इन टाइम फ्रेम आपको वो टास्क करके दे और वो बाकी को डिस्टर्ब ना करे. व्हेन टू यूज टाइम आउट फ्रॉम रीइंफोर्समेंट कैन बी इफेक्टिव इन सिचुएशन व्हेन द स्टूडेंट वुड प्रेफर टू बी इन द क्लासरूम सेटिंग रादर देन इन द टाइम आउट सेटिंग. टाइम आउट सेशन शुड टाइपिकली बी ब्रीफ, फॉर एग्जाम्पल 3 to 10 minutes, बिकॉज टाइम आउट इज अ पनिशमेंट प्रोसीजर. द टीचर शुड फर्स्ट इंश्योर दैट एप्रोप्रिएट लेस intrusive effort to improve student behavior. Behavior reminders, warning, elimination of behavioral triggers have been attempted before using the time out करना, stuck out करना, ये last में है. उससे पहले आपने उसको reminder देके improve करना है, उसका behavior improve करना, control करना, उसे warnings देनी है, elimination behavior triggers दबाने हैं, जो जो आप कर सकते हैं उसके बाद time out करना, otherwise time out करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि classroom management तब भी होती है कि जब आप अपने class का मसला within class solve करें, उसको क्लास से बाहर ना लेके जाए. अगर एग्जांपल के तौर पर किसी स्टूडेंट को आप क्लास से बाहर निकालेंगे तो वो कॉरिडोर में को टीचर्स को भी पता लगेगा, को स्टूडेंट्स को भी पता लगेगा, डिफरेंट क्लासेस को, डिफरेंट टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, वाइस प्रिंसिपल को, सबको पता लग सकता है. तो आप पे ही एट द एंड वो चीज पिन पॉइंट की जाएगी कि आप अपनी क्लास को मैनेज नहीं कर सकते. तो मैनेज करने के लिए क्या है कि आपने अपने क्लास में रहते हुए ही क्लास को कंट्रोल करना है, हर बच्चे को, चाहे वो अच्छा बच्चा है, चाहे वो डिस्टर्बिंग बच्चा है, चाहे वो तंग करने वाला है, तो वो आपका कंट्रोल होगा. जितना अच्छा आपका कंट्रोल होगा उतने अच्छे तरीके से आप अपनी क्लास को क्या कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे. रिस्पॉन्स कॉस्ट इज द taking away of privileges or other valued element cost in response to student misbehavior. कि जब आपको रिस्पॉन्स करते हैं, टेकिंग अवे प्रिविलेजेस से दूर कर देते हैं आप उनको, अदर वैल्यूड एलिमेंट कॉस्ट आ जाती है इन रिस्पॉन्स उनके मिसबिहेवियर की वजह से. इसे कब यूज करना है रिस्पॉन्स कॉस्ट? रिस्पॉन्स कॉस्ट कैन बी एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू मिसबिहेवियर प्रोवाइडेड दैट द स्टूडेंट एक्चुअली वैल्यूज द प्रिविलेजेस और एलिमेंट बीइंग टेकन अवे. वो चीज जिससे वो तंग कर रहा है, अगर वो किसी पेंसिल से किसी को तंग कर रहा है, वो चीज उससे दूर कर दें, वो छील लें, पनिशमेंट दे दें, मोबाइल यूज कर रहा है, बहुत सी चीजें वो उससे दूर कर दीजिए. बिकॉज रिस्पॉन्स कोड इज द पनिशमेंट प्रोसीजर, द टीचर शुड फर्स्ट इंश्योर दैट अप्रोक्सीमेट लेस इंट्रक्सिव एफर्ट टू इम्प्रूव स्टूडेंट बिहेवियर. अब ये भी वो चीजें हैं जो आप के पास आखिरी अरबे जो आते हैं उनमें आप ये चीजें यूज करते हैं. उससे पहले आप बिहेवियर रिमाइंडर, वार्निंग, एलिमिनेशन ऑफ बिहेवियर ट्रिगर्स वगैरह यूज करें ना हो, देन आप ये चीजें यूटिलाइज करते हैं. बिहेवियर कॉन्फ्रेंस. अ बिहेवियर कॉन्फ्रेंस इज अ ब्रीफ मीटिंग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट टू डिस्कस द स्टूडेंट प्रॉब्लम बिहेवियर्स. ऐसी मीटिंग होती है स्टूडेंट टीचर की जहां पे वो डिस्कस करता है और जज करता है स्टूडेंट के बिहेवियर्स को. While the structure and content of a behavior conference will vary based on circumstances, it will typically include some or all of the following elements.
वो कौन सा एलिमेंट है जो बिहेवियर के सर्कमस्टेंसेस में इन्वॉल्व होते हैं? डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम बिहेवियर, द टीचर डिस्क्राइब द स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज प्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम इन द क्लासरूम। वो स्टूडेंट के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करता है, समझता है, सीखता है कि क्या वजह है जिसकी वजह से ये जो स्टूडेंट है वो क्लासरूम में मिसबिहेव कर रहा है और उसका स्टडी में जो है वो माइंड नहीं लग रहा, इंटरेस्ट नहीं ले रहा। वो उसको क्या करता है, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और डिस्क्राइब करता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड स्टूडेंट इनपुट, द टीचर आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन टू फुली अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉब्लम बिहेवियर। आप ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कर सकते हैं जिस पर स्टूडेंट खुद रिस्पॉन्स करेगा वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से वो डिस्टर्ब करते हैं या उनका इंटरेस्ट जो होता है वो डाइवर्ट होता है और वो स्टडी पर फोकस नहीं कर पाते। प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीचर एंड स्टूडेंट डिस्कस सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम बिहेवियर एंड एग्री टू अ प्लान। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टीचर और स्टूडेंट आपस में डिस्कस करें और सॉल्यूशंस आए कि ये प्रॉब्लम है इसकी ये सॉल्यूशन, दोनों मिलकर उसके सॉल्यूशन निकालें। डिसिप्लिनरी रिमाइंडर, इफ एप्रोप्रिएट द टीचर कंक्लूड द कॉन्फ्रेंस बाय इनफॉर्मिंग द स्टूडेंट ऑफ द डिसिप्लिनरी कॉन्सिक्वेंसेस दैट विल अकर इफ द प्रॉब्लम बिहेवियर कंटिन्यूज। एट द एंड एक डिसिप्लिन बना लें और रिमाइंडर दे दें कि अगर ये चीजें कंटिन्यू चलती रही टीचर तो वो बताए स्टूडेंट को कि ऐसा होता रहा तो आपको ये हर्जाना हो सकता है, स्टक ऑफ हो सकते हो, क्लास से निकाला जा सकता है, स्कूल से खारिज किया जा सकता है, सब्जेक्ट से फेल, तो उससे रिलेटेड आप एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। डिफ्यूजिंग टेक्निक्स, डिफ्यूजिंग टेक्निक्स आर एनी टीचर एक्शंस टेकन टू काम अ स्टूडेंट और अदरवाइज डिफ्यूज अ सिचुएशन विद द पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्रंटेशन और इमोशनल एक्लेशन। डिफ्यूजिंग टेक्निक क्या है, टीचर एक्शन लेता है, काम डाउन करता है स्टूडेंट को कि किसी भी मिस मैनेजमेंट सिचुएशन या स्टूडेंट जब अपना पोटेंशियल खो देता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए। व्हेन डू यू व्हेन द टीचर जज दैट द स्टूडेंट नेगेटिव इमोशंस आर अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द प्रॉब्लम बिहेवियर। जब वो देखता है कि नेगेटिव बिहेवियर है स्टूडेंट का और उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है सबके बिहेवियर में, वो डिफ्यूजिंग टेक्निक यूज करता है और appropriately to stabilize the situation और वो situation को control करता है। जैसे किसी ने abusing कर दी, किसी ने लड़ाई झगड़ा कर दिया, किसी ने किसी के साथ बदतमीजी कर दी, तो वो diffusing techniques उस event को फौरन diffuse करके आप चीजों को control में लेके आते हैं। क्लासरूम क्लाइमेट, अब क्लासरूम क्लाइमेट, क्लासरूम का एनवायरनमेंट, क्लासरूम का माहौल, क्लासरूम की आबोहवा, क्लासरूम की सेटिंग इस तरह की करनी है आपने जो आपके लिए बेनिफिट हो। एम्ब्रोज ब्रिजेस डायपेट्रो लोवेट एंड नॉर्मन 2010 डिफाइंस क्लासरूम क्लाइमेट एज इंटेलेक्चुअल सोशल इमोशनल एंड फिजिकल। क्या कह रहा है, इंटेलेक्चुअल है, सोशल है, इमोशनल और फिजिकल एनवायरनमेंट है इन विच ओवर स्टूडेंट। ये चारों चीजों के मुताबिक कि आपका मेंटल, सोशल, इमोशनल और फिजिकल एनवायरनमेंट है जहां पे स्टूडेंट सीखता है, उसे हम क्या कहेंगे, क्लासरूम एनवायरनमेंट। क्लाइमेट इज डिटरमाइंड बाय अ कॉन्स्टेलेशन ऑफ इंटरेक्टिंग फैक्टर्स दैट इंक्लूड फैकल्टी स्टूडेंट इंटरेक्शन द टोन इंस्ट्रक्टर सेट इंस्टेंसेस ऑफ स्टीरियोटाइपिंग गो टोकनिज्म द कोर डेमोग्राफी फॉर एग्जांपल रिलेटिव साइज ऑफ racial and the other social groups enrolled in the course student-student interaction and the range of perspective represented in the course content and material। ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती है, क्लाइमेट, जिसमें इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट की आपस में उसका मेंटली इंटेलेक्चुअल कितना है, टीचर का कितना, स्टूडेंट स्टूडेंट का कैसा, टीचर स्टूडेंट का कैसा, फिर सोशली स्टूडेंट टीचर का रिलेशन, स्टूडेंट स्टूडेंट का रिलेशनशिप और पूरी क्लास में एक दूसरे का रिलेशन, फिर इमोशनल टीचर कितना इमोशनली अटैच है, स्टूडेंट कितना अटैच है, वो एक दूसरे के साथ कितना अटैच है स्टूडेंट, और स्टूडेंट टीचर के साथ कितना अटैच है, और टीचर स्टूडेंट के साथ कैसे अटैच है, फिर फिजिकली इन्वायरमेंट, फिजिकली चाक बोर्ड क्लास रूम किस तरह के, वो खुशबू आ रहा है, साफ सुथरा फर्नीचर ओके है, नीट एंड क्लीन है, वो ये सारी चीजें मिलकर आपके क्लास रूम के क्लाइमेट का पार्ट है। ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट इज अ कॉमन मैनेजमेंट स्टाइल फॉर मॉडर्न स्मॉल बिजनेस। जैसे उसमें प्लानिंग करना किसी भी काम के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसके लीडरशिप लीड करना, जैसे क्लासरूम में लोगों लीड करता है, टीचर लीड करता है, रिसोर्स कंट्रोल, जो भी रिसोर्सेज है, चेयर्स हैं, चाक बोर्ड है, फैंस हैं, लाइट्स हैं, बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, विंडो, एवरीथिंग, तमाम रिसोर्सेज को कंट्रोल करना। Classroom management. Effective teacher create focus and nurturing classroom that results in increased students learning. जो effective teacher होता है वो control भी करता है और positive environment बनाता है और student की learning को increase करता है. This teacher teach and rehearse rules and procedure with students. Anticipate student needs,
पोजेसिस अ प्लान टू ओरिएंट न्यू स्टूडेंट्स एंड ऑफर क्लियर इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट्स। ये क्या करते हैं, ये स्टूडेंट को टीच करते हैं और रिहर्स करते हैं, रूल बनाते हैं, प्रोसीजर बनाते हैं और स्टूडेंट के साथ उसे क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं। और कोई भी नहीं आने वाला स्टूडेंट है उसे वो रूल्स बताते हैं और उसको इंट्रोड्यूस करते हैं और अपने तमाम रूल्स और रूटीन्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिससे वो क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर पाते हैं। सम जनरल टिप्स फॉर क्लासरूम कंट्रोल। लव द स्टूडेंट, बच्चों से प्यार करें। मीन्स के जो टीचर होते हैं वो रानी माँ बाप होते हैं, तो स्टूडेंट को अपने बच्चे समझ के उनको कंट्रोल करना है प्यार के साथ। अज्यूम द बेस्ट इन द स्टूडेंट, ये करना है कि आपने स्टूडेंट को बेस्ट देना है और उनसे बेस्ट उनसे पिक करना है कि वो आपको इस तरह का रिस्पॉन्स करे कि वो बहुत अच्छे तरीके से सीख के अपना टाइम बेस्ट तरीके से जुटाए। हैव अ प्लान, और इसके लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए। यूनिट 7 को रिपीट कर रहा हूँ। आज हमने यूनिट 7 में क्या स्टडी की, क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स देखी, जिसमें हमने डिटेल में क्लासरूम क्या, मैनेजमेंट क्या और उसकी क्लासरूम को मैनेज करने की स्किल्स क्या, इसका इंट्रोडक्शन स्टडी किया। फिर हमने क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड टीचिंग से ये किस तरह रिलेट करता है ये स्टडी किया। फिर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी किया रिलेटेड टू क्लासरूम मैनेजमेंट। रिलेटेड कॉन्सेप्ट में कंट्रोल आ गया, ठीक है। देन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल प्रोसेस हमने स्टडी किया। फिर टाइप्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक स्टडी की हमने। फिर हमने बिहेवियर रिमाइंडर्स की टेक्निक स्टडी की। फिर हमने एकेडमिक एडजस्टमेंट की टेक्निक स्टडी की। फिर हमने एनवायरमेंट एडजस्टमेंट्स की टेक्निक स्टडी की। फिर वार्निंग की टेक्निक स्टडी की। फिर टाइम आउट की को स्टडी किया। फिर रिस्पॉन्स कोर्स को हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने बिहेवियर कॉन्फ्रेंसिस किस तरह करनी है, बिहेवियर को इम्प्रूव करनी है, वो स्टडी किया। फिर हमने डिफ्यूजिंग टेक्निक से किसी भी एनवायरमेंट से मिसबिहेव हो रहा तो उसको किस तरह डिफ्यूज करके हमने चीज़ों को कंट्रोल करना है। फिर क्लासरूम क्लाइमेट स्टडी किया। फिर ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडी किया, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडरशिप, रिसोर्स कंट्रोल। देन क्लासरूम मैनेजमेंट में रूल्स और रूटीन्स कैसे बनाने हैं और किस तरह चलाने हैं वो। फिर हमने कुछ जनरल टिप्स क्लासरूम कंट्रोल किए, जिसमें लव द स्टूडेंट, अज्यूम द बेस्ट इन द स्टूडेंट, हैव अ प्लान स्टडी किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूनिट 7 कंप्लीट हो चुका है।